हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक स्लिंग बैग बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह का बनाया है मैंने। यहाँ अंदर की साइड एक पॉकेट लगाया है मैंने इस तरह का। और एक बाहर की साइड पॉकेट लगाया है। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो उसके अंदर ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है मैंने, और उसका माप मैंने यहाँ 18 इंच का लिया है मैंने, और यहाँ 11 इंच का लिया है। और उसके अस्तर में जो फैब्रिक लगाऊंगा उसका भी माप सेम वही है। और ये रबर सीट का माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 17 इंच का लिया है। ऐसी दो रबर सीट लेनी है हमें। और ये पॉकेट का माप मैंने यहाँ 9 इंच का लिया है, और यहाँ भी मैंने 9 इंच का लिया है। ऐसा दो पॉकेट लेना है हमें। और ये जिप का माप मैंने यहाँ 8 इंच का लिया है, ऐसी दो जिप लेनी है हमें। और एक ऐसी चेन ली है मैंने, इस तरह की चेन है गोल्डन। और एक ऐसा मैग्नेट का बटन लिया है मैंने। अब ये रबर शीट को इस तरह से फोल्ड कर देना है हमें, और यहाँ से हमें राउंड शेप दे देना है। और आपको जैसा अच्छा लगे ऐसा आप शेप दे सकते हो, और मैं यहाँ इस तरह का एक शेप दे देता हूँ। और अब इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। और अब ये दूसरी रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमने जो कटिंग की है वो रबर शीट रख देंगे, और उसी हिसाब से हम यहाँ निशान कर लेंगे। और अब इसको भी यहाँ से फोल्ड कर देंगे, और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें रबर शीट कटिंग कर लेनी है। और अब ये फैब्रिक को हमें उल्टा कर देना है, और उसके ऊपर हमें ये रबर शीट रख देनी है। और यहाँ से फैब्रिक को हमें इस तरह से मोड़ देना है, और यहाँ ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हम यहाँ सिलाई कर देंगे। तो इसी तरह हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है।
और अभी यहाँ ज़्यादा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ सिलाई कर देनी है। तो सेम इसी तरीके से ये फैब्रिक के ऊपर भी हमें रबर शीट रख कर सिलाई कर देंगे। और अब यहाँ से हम 7 इंच पे निशान कर देंगे। और एक सेंटर में निशान कर देंगे। यहाँ से हमारा 10 इंच का माप है तो हम 5 इंच पे निशान कर देंगे। और अब यहाँ जो पट्टी लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 9 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 2 इंच का लिया है। और अब इसको भी हम यहाँ सेंटर में निशान कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ निशान कर देना है। तो हमें ये दोनों सेंटर का निशान हमें मिला लेना है। इस तरह से रख देना है। और अब ये पट्टी के ऊपर जो सेंटर का निशान है वहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ सेंटर से हम 3.5 इंच और यहाँ भी 3.5 इंच, तो 7 इंच का हमारा पॉकेट आएगा। और यहाँ एक सीधी एक लाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ सीधा निशान कर देना है सिलाई करने के लिए। और अब ये पार्ट के ऊपर रख देंगे और दोनों सेंटर का सेंटर से सेंटर मिला लेंगे और यहाँ से हम सिलाई कर देंगे। हमने जो निशान किया है वो निशान के ऊपर ही हमें सिलाई कर देनी है। और अभी यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। अंदर की साइड से हमें कटिंग करना है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ हम तीरसा कटिंग करेंगे क्रॉस में इस तरह से। और अब ये पट्टी को हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमें पलटा देना है पट्टी को। और यहाँ ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हम सिलाई कर देंगे।
तो इस तरह से हमें सिलाई करके तैयार कर लेना है। और अभी अस्तर को हमें पट्टी के साथ यहाँ जोड़ देंगे, तो इस तरह से रख देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है, इस तरह रख देना है और ऊपर एक सिलाई कर देंगे। और अब यहाँ हमें जिप रख देंगे, तो इस तरह से हमें जिप को यहाँ रख देना है और एक ऊपर सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये जिप के साथ हम रख देंगे और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में भी एक सिलाई कर देंगे। तो दोनों तरफ हमें साइड में सिलाई कर देनी है पॉकेट को। और यहाँ ऊपर एक सिलाई कर देनी है। और अभी हमारा पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। तो सेम उसी तरीके से दोनों पार्ट के ऊपर हमें पॉकेट बना लेना है इस तरह से। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन का निशान कर देंगे, तो यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगाना है, तो यहाँ हम मैग्नेट बटन लगा देंगे। और अब ये बाहर वाला पार्ट है उसको हम इस तरह कर देंगे और ऊपर ये पार्ट रख देंगे और यहाँ हम सिलाई कर देंगे। चारों तरफ हमें सिलाई कर देनी है, तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। और अभी यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ 6 इंच का माप रखना है हमें। और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है साइड में और यहाँ भी सिलाई कर देनी है। और साथ में ये चैन भी लगा देंगे हम यहाँ सिलाई करते वक्त। तो इस तरह से हमें यहाँ चैन रख देनी है और ऊपर सिलाई कर देनी है। तो सेम इसी तरीके से दोनों साइड सिलाई कर देनी है और यहाँ भी हमें चैन लगा देनी है।
और अभी यहाँ ऊपर से ढक्कन को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ बटन का हम निशान कर देंगे। और अब यहाँ ये बटन लगा देंगे हम। तो इस तरह से हमें यहाँ बटन लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा स्लिंग बैग बनकर तैयार हो गया है। यहाँ अंदर की साइड एक पॉकेट आ गया है और ये मैग्नेट बटन, और यहाँ बाहर की साइड भी एक पॉकेट आ गया है। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।